पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा में MLC स्वर्गीय हरिनारायण चौधरी के पुत्र डॉक्टर तरुण कुमार ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्य अतिथि सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सामुदायिक परिवार की पार्टी है, जहां सभी जातियों को सम्मान एवं अधिकार मिलता है। इसी से सम्मोहित होकर तरुण कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, जिसके कारण सोनिया परिवार को छोड़कर अन्य किसी भी सदस्य को मान सम्मान एवं अधिकार देना तो दूर, बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। इसी का परिणाम है कि भारत के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व के खिलाफ राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव द्वारा बहुसंख्यक समाज के प्रति गलत बयानबाजी पर उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा, बहुसंख्यक समाज के प्रति अनर्गल बातें बर्दाश्त नहीं होगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कार्यों से आकर्षित होकर आज लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरुण कुमार को यहाँ जो सम्मान अधिकार मिलेगा, जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया होगा, उनका मानना है समस्तीपुर जिलों के साथ साथ बिहार में भाजपा संगठन में मजबूती आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का जो रवैया अपनाया रहा है, उससे लगता है कि देश से सफाया हो जाएगा। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के प्रति अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति का नहीं हो सकता। उनका मानना है अटल बिहारी वाजपेयी की कांग्रेस मुक्त भारत एवं गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा युक्त कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है, अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। मंगल पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश एवं देशवासियों को अधिकार एवं सम्मान देने का संकल्प के कारण ही भारत में 18 करोड़ सर्वाधिक सफलता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कांग्रेस मुक्त भारत एवं भाजपा युक्त भारत निर्माण के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको शुभकामना भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। कांग्रेस का इस भारत से सफाया होना तय है। जिस तरह की भाषा और जिस तरह का व्यवहार श्री राहुल गांधी कर रहे हैं, वैसे कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कांग्रेस में रहना असंभव बात है। और राहुल जी के बयान के और सम्मान मंत्री के बयान के बाद वरुण जी और पूरी कांग्रेस की टीम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, सभी का स्वागत है। इसके साथ हमारे पूर्व DIG रह चुके श्री अजय शुक्ला जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे झंझारपुर से पूर्व लोकसभा लड़े उम्मीदवार बिट्टू जी भी ज्वाइन कर रहे हैं।